लेबनान च सीरियल पेजर धमाका 30 लोगों की हुई मौत 1200 तो वध हुए जख्मी कई हिजबुल्ला लड़ाके बने निशाना। लेबनान च मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जदों 1000 तो वध पेजर इको समय फट गए। अतवादी समूह हिजबुल्ला नूं निशाना बनाने वाले पेजरां दे लड़ीवार धमाकियां विच 1000 तो वध लोग जख्मी हो गए ने। ईरान दे सरकारी मीडिया ने दस्या कि इस घटना च लेबनान च उसका राजदूत भी जख्मी हो गया। हिजबुल्ला जिसनों अमेरिका ते यूरोपीयन यूनियन दोवां द्वारा मंजूरी दी गई है लेबनान च राजनीतिक अते फौजी प्रभाव नूं कायम रखता है। इस अतवादी समूह नूं ईरान तो भी मदद मिलती है जदों कि हिजबुल्ला हमास का समर्थन करता है जो अक्तूबर 2023 तो गाजा विच इजराइल नाल जंग लड़ रहा है। पेजर बंब के धमाके ने पूरे लेबनान विच हिजबुल्ला के सारे ठिकाणों को प्रभावित किया है। यह पहली वड्डी घटना है जदों तो समूह ने हमास के समर्थन विच इजराइल नाल लगभग रोजाना गोलीबारी शुरू की है जो कि 7 अक्तूबर को गाजा विच इजराइल नाल जंग छेड़ रहा है। इजराइली नागरिकां नूं निशाना बना रहा है। लेबनान च सीरियल पेजर धमाका 30 लोगों की हुई मौत 1200 तो वध हुए जख्मी कई हिजबुल्ला लड़ाके बने निशाना। लेबनान च मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जदों 1000 तो वध पेजर इको समय फट गए। अतवादी समूह हिजबुल्ला नूं निशाना बनाने वाले पेजरां दे लड़ीवार धमाकियां विच 1000 तो वध लोग जख्मी हो गए ने। ईरान दे सरकारी मीडिया ने दस्या कि इस घटना च लेबनान च उसका राजदूत भी जख्मी हो गया। हिजबुल्ला जिसनों अमेरिका ते यूरोपीयन यूनियन दोवां द्वारा मंजूरी दी गई है लेबनान च राजनीतिक अते फौजी प्रभाव नूं कायम रखता है। इस अतवादी समूह नूं ईरान तो भी मदद मिलती है जदों कि हिजबुल्ला हमास का समर्थन करता है जो अक्तूबर 2023 तो गाजा विच इजराइल नाल जंग लड़ रहा है। पेजर बंब के धमाके ने पूरे लेबनान विच हिजबुल्ला के सारे ठिकाणों नूं प्रभावित किया है। यह पहली वड्डी घटना है जदों तो समूह ने हमास के समर्थन विच इजराइल नाल लगभग रोजाना गोलीबारी शुरू की है जो कि 7 अक्तूबर को गाजा विच इजराइल नाल जंग छेड़ रहा है। इजराइली नागरिकां नूं निशाना बना रहा है।